और चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बदायूं की। आपको बता दें कि यहां पर युवक की मौत पर हंगामा होता हुआ नजर आया। परिजनों और साथी व्यापारियों ने बाजार बंद कराकर थाने का घेराव किया और शव को रखकर मुरादाबाद, और साथ ही बताया जा रहा है कि यहां पर नारे भी लगाते हुए नजर आए हैं। बताया जा रहा है कि मुरादाबाद फरुखाबाद हाईवे को भी जाम कर दिया था। हंगामे की सूचना पर कई थानों की पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंची, आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन इसके बाद भी घंटों तक हंगामा होता रहा। हमारी डिमांड है हमारे उसावा थाने के एसओ साहब का ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि उनके रहते हुए हमारी कोई कार्रवाई होगी नहीं। हम वो कार्रवाई भर चुके हैं पहले से ही, 3-4 महीने पहले, और जब तक ये एसओ साहब हटेंगे नहीं हम अपना पंचनामा करवाएंगे। मेरा भाई रामानंद गुप्ता, मैं नितिन गुप्ता, मेरा भाई उनके सदमे में चला गया। देखिए, कल रात को जो आबादी है इनके बेटे की इलाज के दौरान मृत्यु हुई है दिल्ली में। बॉडी उन्होंने यहाँ रखी है। आबादी के तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। जो आबादी ये कह रहा है कि जब मैं थाने पाया था तो थाना अध्यक्ष दो महोदय द्वारा हमारे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, भगा दिया कार्रवाई नहीं की। हाँ, जो ये आरोप अभी बता रहे हैं आप लोग, इसकी जांच की जाएगी। यदि आरोपों में सत्यता होगी तो अवश्य कार्रवाई की जाएगी।